मैं आई हूँ बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम? हाँ जी, बागेश्वर धाम से आई हूँ। मूर्ति घूम रहे हैं। कैसे मतलब आप डिसाइड करते हो कि साधु बनना है? यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए 20 रुपए 50 रुपए जो भी है शुल्क लगेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रायपुरियन शिवी चैनल। मैं शिवानी साहू आज आ चुकी हूँ राजिम के मेले में। आप सभी देख सकते हैं मेरे पीछे काफी ज्यादा भीड़ है और पीछे देख सकते हैं हमारे देवताओं का रूप है। अभी ये वाला राजिम मेला 2024 का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आप सभी को एक्सप्लोर करूंगी पूरा राजिम का टूर और चलिए आइए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी माता रेडी होके यहाँ पे खड़ी हुई है। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं ऐसे ही अपने बच्चों को रेडी करके मेले में खड़े करा देते हैं और काफी लोग उनका दर्शन भी करना पसंद करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इधर से एक और रोड है, यहाँ पे हमारा मंदिर है और पूरा पत्थर दोस्तों ये सभी अभी लगाया गया है, ये सभी निकाल के वापस रीयूज कर सकते हैं अगले साल के लिए। अपन जाने वाले हैं इस साइड और इधर कुछ कुछ और भी है। ये दोस्तों यहाँ पे अलग से सेल्फी लेने के लिए पूरा एक सेटअप किया गया है। यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए 20 रुपए 50 रुपए जो भी है शुल्क लगेगा, पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ का डेकोरेशन किया गया है। काफ़ी सुंदर यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो है और दो बैल बनाए गए हैं पूरे मिट्टी के हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सभी आपको पहनने देंगे। आइए पूछते हैं इसके बारे में, इन सभी को मतलब पहन के अच्छा पूरा सजने देंगे छत्तीसगढ़िया का पूरा। तो कितने टाइम तक ले सकते हैं अपन फोटो वगैरह? यहाँ पर जितना समय चाहे ले सकते हैं, वहाँ बैलगाड़ी में चढ़ सकते हैं, इधर जो रूम बना है वहाँ पर ले सकते हैं। कितने रुपए में? 20 रुपए से स्टार्टिंग है, 100 तक है। तो 100 रुपीज कैसे मतलब? ये पूरा साड़ी मिलेगा आपको, साड़ी के साथ ये ज्वेलरी मिलेगा, ज्वेलरी के साथ ये सब कौड़ी का बना हुआ कलगी मिलेगा, चूड़ी वगैरह पूरा मेकअप रहेगा और इसके साथ कुंडली भी जाएगी। अच्छा मतलब 100 रुपीज में सब एक साथ। तो 20 रुपीज में क्या क्या आ जाएगा अपना? इसमें ये माथा का पट्टी रहेगा और ये कलगी रहेगा। अच्छा ये देख सकते हैं मयूर का पंख है पूरा। धन्यवाद। यहाँ पे दोस्तों काफी प्यारा सुंदर सा पूरा फ्लैग है और जय श्री राम का। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी साधु बाबा जय श्री राम जी। ऐसा है दूर से काम नहीं बनेगा जी जी जी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे 2 घंटा बैठ जा, 15 मिनट बैठ जा, भभूति ले ला, साधना। कहाँ से आए हैं आप? हम प्रयागराज से आए हैं। ये तो यही है ना राजिम? राजिम कुंभ है। अच्छा प्रयागराज कहाँ? इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी, छत्तीसगढ़ का तो प्रयागराज राजिम हो जाता है। जी जी आइए, स्वागत है खबर अब्दुल्ला खवाजी। तो हम यहाँ पे दोस्तों काफी प्यारा सा फिर से हवा चल रहा है, देख सकते हैं फ्लैग से। यहाँ पे एकदम बीच में अच्छा सा गैप दिया गया है, बाकी आसपास में पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा का पूरा ये सभी आप देख सकते हैं, सब में साधु बाबा का रहने का जगह बनाया गया है। सब में अलग अलग टाइप का जो साधु होते हैं उन लोगों के लिए, कई लोग हरिद्वार से आए हैं, कई लोग इलाहाबाद से आए, ऐसे ही बहुत सारे जगह से आते रहते हैं जो साधु बाबा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोग हैं जैसे कि, तो इन लोगों को रुकने के लिए जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट करती है और उनका कंट्रोल रूम ये वाला है और आप देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे है। तो अभी अपन चलेंगे एक्सप्लोर करेंगे। जी आप कहाँ से आए हैं आप सभी? मैं आई हूँ बागेश्वर धाम से। बागेश्वर धाम? हाँ जी बागेश्वर धाम से आई हूँ। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से आई हूँ। तो आप कितने लोग आए हैं? आप लोग? हम आए हैं 5-7 लोग। अच्छा तो यहाँ मतलब हर साल आते हो आप लोग? हर साल आते हैं। अच्छा तो क्या मतलब यहाँ का व्यवस्था रहता है, कैसे रहता है सब? अप टू डेट VIP, मतलब हर तरह से साधु संतों को व्यवस्था मिलती है। साधु संत आते हैं, सुबह आशीर्वाद देते हैं और मंगल गीत गा करके अपने भक्तों को वो करके सुना कर चले जाते हैं। अच्छा तो आप साधवी कब से हैं? मैं संचौरासी। संचौरासी से। तो आपकी फैमिली वगैरह है? नहीं 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 नहीं, नहीं फैमिली। कैसे मतलब आप डिसाइड करते हो कि साधु बनना है? ये छोटे से संस्कार होते हैं, जैसे चित्रकूट में मेरी बुआ रहती थी, उन्होंने मुझे संस्कार दिया कि भाई जन्म बार बार मिलता है, हर योनि मिलेगा,
पर भगवान हर योनि में पशु बन जाएंगे तो भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं, पर मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें भगवान का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए भगवान को समर्पित दो और योनि में तो भोग मिलेंगे, सब मिलेगा, लेकिन इस योनि से बढ़कर उत्तम मनुष्य तन से उत्तम कोई तन नहीं है। इसलिए इस मनुष्य तन को सुधारने के लिए हमने इस जीवन को अपनाया। तो आप लोग क्या कौन से देवता को पूजते हैं? जैसे हम राम जी के उपासक हैं। राम जी, हाँ राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। बोलिए जय सिया, जय जय सिया। सब एक से कहाँ से हैं आप सभी? हम लोग उड़ीसा का है और इन लोग यहीं का है। अच्छा, तो आप सभी मतलब एक ग्रुप में हैं? हाँ हाँ, सब है एक ही ग्रुप में। तो क्या मतलब यहाँ राजीव, आप कब से आ रहे हैं? हम लोग तो छोटे पन से आ रहे हैं, हमारे माँ बाप लेके आते थे यहाँ। अच्छा, तो आप मतलब कब से आप साधु ही है? तीस चालीस साल हो गया। 30-40 साल। तो आपके बाल बच्चे हैं? कहाँ है, तुम ही लोग तो बाल बच्चे हो, साधु जीवन के क्या बाल बच्चे। अच्छा, मतलब 30-40 साल से आप पूरा साधु बने हुए। तो इससे पहले आप कैसे गृहस्थी जीवन जीते थे? तुम्हारे जैसे थे, कुमारी थे। कैसे आप लोग मतलब साधु संत के ये जो श्रेणी है उसमें आ गए? शिव जी का पूजा करने से भोले बाबा प्रसन्न हो गया, बोले तेरे साथ न छोड़ेंगे सोनी चाहे भेज दे जेल में। क्या उम्र हो रहा होगा आपका अभी? अभी 60 होता है। अभी 60 हो रहा है। अच्छा, किस में आते हैं आप सभी? अभी रेलगाड़ी से आते हैं, इधर बस से आते हैं, मेले का आनंद लेने। हाँ, आनंद लेने। जी जी, चलिए धन्यवाद।